एमपीडिया में आपका स्वागत है। अभी तक हमने लैंड फॉर्म्स पढ़े, जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट्स पढ़े, अब हम कोरल्स पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़रूर आए हैं कोरल्स पर, एक बार नहीं कई बार आए हैं। एक बार तो बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2 मार्कर पे, वेयर इज ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, फेमस बैरियर रीफ है, सबको मोस्टली पता है कहाँ पर रहती है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल साइट्स पर है। इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब जब ग्रेट बैरियर रीफ पूछा है तो व्हाट इज रीफ, व्हाट इज कोरल्स, ये क्वेश्चन भी आया है, व्हाट इज कोरल रीफ। कई स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कोरल रीफ के ऊपर। तो क्या है कोरल रीफ? रीफ एक चट्टान है, चट्टान को भी हम रीफ कहते हैं। कोरल्स ऑर्गेनिजम्स कई डिपॉजिट करके, कैल्शियम कार्बोनेट के मटेरियल को डिपॉजिट करके एक रीफ बन जाती है। और रीफ इज अ रिज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल एट और नियर द सरफेस ऑफ द ओशन, समुद्र के पास शोर पे, कोस्टल लाइंस पे ही डेवलप होती हैं रीफ्स। रीफ्स कैन ऑकर नेचुरली, नेचुरल रीफ्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स और द स्केलेटन्स ऑफ स्मॉल एनिमल्स कॉल्ड कोरल। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, वाटर बॉडी के मरीन एनिमल्स जो होते हैं, उनकी डेड बॉडीज पे ही रीफ डेवलप होती है। कोरल्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उन एनिमल्स को, स्मॉल एनिमल्स को, फिश, इंसेक्ट्स, जो भी वाटर के मरीन के, वो उनको कन्वर्ट करके उनके कैल्शियम्स पार्ट को डिपोजिशन होता रहता है हजारों लाखों सालों तक, तब जाके एक चट्टान बन पाती है, उसे कहते हैं कोरल रीफ। अब जब कोरल रीफ की बात की तो फिर कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्लरिश करते हैं रीफ्स के ऊपर, उन चट्टानों के ऊपर। कोरल्स जो फ्लावर टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं वो उनके ऊपर फ्लरिश करते हैं, रहते हैं, वो होते हैं कोरल्स। वॉट, एक क्वेश्चन और बनता है इस पर, वॉट इज कोरल पॉलिप्स, पॉलिप्स क्या होती है? एंड पॉलिप इज एन एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली जब कोरल्स एक ऑर्गेनिज्म है तो पॉलिप्स भी एक मरीन ऑर्गेनिज्म है। इट ग्रोज नो लार्जर देन अ ह्यूमन फिंगर नेल एंड इज ऑफन ओनली द साइज ऑफ द पिन हेड। एक नाखून के बराबर उनका साइज होता है और उनका जो माउथ होता है वो पिन के हेड की तरह होता है। हमें कोई स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती इनको देखने के लिए, ये नॉर्मली मैग्नीफाइंग ग्लास से देखे जा सकते हैं। आप कभी कोरल्स को अगर आप निकालते हैं और देखने की कोशिश करते हैं तो आपको छोटे छोटे पोर्स कोरल्स दिखाई देते हैं। कैसे होते कोरल्स, एक बार मैं आपको व्यू दिखा दूं। ये है एक्चुअली, ये रीफ है, दिस पार्ट इज द रीफ, ये है आपकी कोरल्स और ये कोरल पॉलिप्स हैं, ठीक है। ये आपकी कोरल है, कोरल, ये रीफ्स हैं, ये चट्टाने, और ये हैं आपके पॉलिप्स। छोटे छोटे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये पॉलिप्स हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड मल्टीपल्स ऑफ पॉलिप्स, पॉलिप्स कंसिस्ट ऑफ वन कोरल। कोरल के अंदर ही इनके एक छोटे छोटे बारीक पार्ट्स होते हैं, इन्हीं को ही कहा जाता है पॉलिप्स। इसका माउथ होते हैं, इन्हीं में ही एनिमल्स, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं और यहाँ एब्जॉर्ब करके वो कोरल्स अपने बेस पे नीचे उन्हें उनके स्केलेटन पार्ट को नीचे डिपोजिट करने लगती है, ये डिपोजिशन हो जाता है, इसी को ही रीफ्स कहते हैं। कोरल पॉलिप्स क्या है? इट इज अ सिंपल ट्यूब लाइक बॉडी विथ टेंटेकल्स एट वन एंड। इट इज अ सिंपल ट्यूब लाइक बॉडी विथ टेंटेकल्स एट वन एंड, द थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स कैन बिल्ड अ कोरल। बहुत सारे हजारों पॉलिप्स मिलके कोरल बनाते हैं। तो आप कभी भी रीफ, कोरल और पॉलिप्स पे डिफरेंशिएट जरूर रखिएगा, डिफरेंस रखिएगा समझने में कि क्या होते हैं। तीनों के बीच में एक बहुत थिन सिल्वर लाइन डिफरेंस है इनके फॉर्म में। तीनों चीज़ें थोड़ी एक जगह ही पाई जाती है लेकिन थोड़ी सी अलग है। पॉलिप्स अलग है, कोरल्स अलग है, रीफ्स अलग है। पॉलिप्स एब्जॉर्ब करेगी स्मॉल इंसेक्ट्स, स्मॉल मरीन एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को, उनको एब्जॉर्ब करके वो कोरल्स के बेस तक पहुंचाएगी। कोरल्स उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, बाहर करेगा, और जो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन पार्ट है उसे बाहर करेगा और वो रीफ्स के धीरे धीरे डिपोजिशन करने लगेगा अपने नीचे कोरल्स
अपने नीचे उन्हें डिपोजिट करने लगी और वो चट्टाने बनती जाएगी। वो चट्टाने धीरे 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 ऊपर आएंगी, कोरल्स उसके ऊपर फ्लरिश करने लगी, उन चट्टानों पे और कोरल्स आ जाएंगी, तो ऐसे करके पूरा एक कोरल रीफ डेवलप हो जाएगा, एक हाईली बायोडाइवर्स एरिया बन जाएगा जिसका इकोसिस्टम सबसे पिक्यूलियर और बहुत डिफरेंट होता है। कोरल्स, कोरल रीफ्स को दुनिया का सबसे बेस्ट बायोडाइवर्स रीजन माना गया है, बहुत हाईली वेरिएबल मल्टीपल इकोसिस्टम्स का पार्ट रहा है ये कोरल पॉलिप्स की। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब हम देखते हैं रीफ्स की बात कर रहे थे हम, रीफ्स कितने तरह की होती है। हमने कोरल रीफ्स पढ़ा, चट्टाने पढ़ी, कितने तरह की रीफ्स होती हैं। रीफ्स मोस्टली थ्री तरह, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ रीफ्स, फ्रेंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स एंड अटोल। ये आपने कहीं जगह पढ़ा होगा कोरल रीफ्स के बारे में। फ्रेंजिंग रीफ्स पहले बनती हैं, फिर उसके बाद बैरियर रीफ में डेवलप होती हैं, फिर आगे चल के कई जगह अटोल बन जाता है जो फाइनल स्टेज होती है। तो तब हम देखते हैं कि क्या होती है फ्रेंजिंग रीफ। कई बार एक बार अटोल, व्हाट इज एन अटोल, एक क्वेश्चन आया हुआ है टू मार्कर में, क्या है ये भी एक टाइप है कोरल रीफ का जो हम डिस्कस करेंगे, फ्रेंजिंग, बैरियर, अटोल। पहले हम फ्रेंजिंग देख लेते हैं, हो सकता है एक बार अटोल पूछा गया तो कभी आपसे बैरियर रीफ पूछ लिया जाए या फिर आपसे फ्रेंजिंग रीफ पूछ लिया जाए, ठीक है। देखते हैं, फ्रेंजिंग रीफ फॉर्म्स अलोंग द एज ऑफ अ कोस्ट कोस्ट एंड इट इज अटैच टू लैंड, इट एक्सटेंड्स आउटवर्ड्स फ्रॉम शोर लाइक अ शेल्फ जस्ट बिलो द सर्फेस ऑफ द वॉटर। फ्रेंजिंग रीफ हमेशा शोर साइड में, लैंड साइड में डेवलप होती है। एक बार देख लेते हैं फ्रेंजिंग रीफ, ये फ्रेंजिंग रीफ का व्यू है, लैंड फॉर्म है, लैंड मास है, यहाँ पानी है, धीरे धीरे रीफ के ऊपर रीफ डेवलप हो रही है, इसी को ही फ्रेंजिंग रीफ कहा गया है। कोरल्स, इसके ऊपर कोरल्स फ्लरिश करते हैं, ये चट्टाने मूंगे की डिपोजिशन के कारण धीरे धीरे ऊपर की तरफ लैंड मास की तरफ जाने लगती है। एक हल्का सा बहुत शैलो वाटर का लगून भी डेवलप होता है, लेकिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता, बैरियर्स में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। जब बैरियर रीफ की बात करेंगे हम तो उसमें क्लियर देखेंगे। ये एक टाइप है फ्रेंजिंग रीफ का, फ्रेंजिंग रीफ फॉर्म्स अलोंग द एज ऑफ अ कोस्ट एंड इज अटैच टू लैंड, इट एक्सटेंड्स आउटवर्ड फ्रॉम द शोर लाइक अ शेल्फ जस्ट बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर। पानी के अंदर ही होती है, लैंड मास की तरफ की कोई आगे बढ़ने की कोशिश करती है, यह है फ्रेंजिंग रीफ। अब सेकेंड टाइप है बैरियर रीफ, बैरियर रीफ भी देख लेते हैं अपन क्या है। दिस वन इज द बैरियर रीफ, ये रीफ है, ये समुद्र है ओपन वाटर, और ये लैंड मास है, ठीक है। धीरे धीरे डिपोजिशन होने लगता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये ऊपर की तरफ आने लगती हैं, कोरल्स तक फ्लरिश करने लगती है, बहुत सारे मरीन एक्या इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, बीच में एक छलछला पानी शैलो वाटर डेवलप हो जाता है, लैंड मास और रीफ के बीच में एक लगून हमेशा डेवलप होता है, कम डेप्थ का एक लगून जिसमें आराम से आप स्विमिंग घूम फिर सकते हो, इतना भी कम डेप्थ नहीं होती, मतलब आप छोटी सी बोट आप उसमें फ्लो करा सकते हो, लगून ही होता है। इसको बैरियर रीफ इसलिए करा जाता है, ये ओपन सी और लैंड के बीच का एक बैरियर होता है, इसीलिए इसको बैरियर रीफ कहा गया है। ये बैरियर रीफ का व्यू है, आप चाहें तो कभी क्वेश्चन आए तो आप बेसिक पेंसिल से डायग्राम बना भी सकते हैं। एक बार क्वेश्चन जरूर आया था, व्हाट इज एन अटोल, एन अटोल इज अ रिंग शेप्ड कोरल रीफ आइलैंड, एन अटोल सराउंड्स अ बॉडी ऑफ वाटर कॉल्ड लगून। ये आपका अटोल है, ये देखिए पूरी की पूरी रीफ यहाँ डेवलप हुई है रिंग के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, इस तरफ सी है, इस तरफ सी है, लैंड मास तो कोसों दूर है, बीच में जो है वो पानी भरा हुआ है कम डेप्थ का, और ये है लगून। कई जगह इसमें एक गेटवे भी होता है बोट का, पूरी की पूरी प्रॉपर रिंग नहीं बनती, छोटे छोटे गैप्स भी होते हैं रीफ में। ये अटोल है, अटोल। अब हम बात करेंगे कि ये रीफ्स की बात हो गई, कोरल रीफ्स जो है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। इंडिया में पांच जगह पर है कोरल रीफ्स, कौन कौन सी आइए देखते हैं। कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ है, तब आपको पता होगा तो अच्छा रहेगा। एक है कच्छ पे, गल्फ ऑफ
कच्छ, ये गल्फ ऑफ कम्बत है, यहां नहीं है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे है, लक्कादीप लक्षद्वीप आइलैंड्स पे है, पाक स्टेट पे है, गल्फ ऑफ मन्नार पे है, जो गल्फ ऑफ मन्नार है इंडिया और श्रीलंका के बीच में वहां पर है, पाक स्टेट में है, अंडमान निकोबार पे है, लक्कादीप पे है, गल्फ ऑफ कच्छ पे है, पांच जगहों पर है, गल्फ ऑफ खम्बत पे नहीं है। पूछा जाए तो गल्फ ऑफ खम्बत पे क्यों नहीं है, क्योंकि हाई टाइड्स टाइडल फोर्सेस बहुत है यहाँ पर, टाइडल एनर्जी जनरेशन एरिया माना गया है, टाइड्स बहुत होती है यहाँ पर, इसीलिए कोरल्स वहाँ डेवलप नहीं हो पाती, जो कोरल्स होती है ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहाँ पे फ्लरिश नहीं कर पाते, वहाँ पे जिंदा नहीं रह पाते, वो टूट के अलग हो जाते हैं, जिसके कारण फिर कैल्साइट का डिपोजिशन नहीं हो पाता, जिससे चट्टाने डेवलप नहीं हो पाती, रह जाती है, ये है। तो गल्फ ऑफ खम्बत पे नहीं है माना गया अभी तक, गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक स्टेट है जिसे पाक बेबी कहा गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे है और लक्षद्वीप आइलैंड्स पे भी है, और सबसे अच्छी बात है लक्षद्वीप पे अटोल है, अटोल कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ लक्षद्वीप आइलैंड्स पे ही आपको अटोल मिलेगा। ये हमने देखा कहां कहां पे कोरल रीफ्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स हमने पढ़ लिया, तीन तरह की। अब हम कोरल ब्लीचिंग की बात कर लें, ये भी हॉट टॉपिक रहा है, कई सालों से रहा है, यूपीएससी में बहुत पूछा गया है कोरल ब्लीचिंग के बारे में, क्या होता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल तो आप समझते हैं, कोरल मरीन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो कोरल्स होते हैं जो फ्लावर शेप के बहुत सारे टेंटिकल्स या पॉलिप्स टाइप, बहुत सारे पॉलिप्स का जो झुंड होता है वो एक कोरल्स होता है, जो लहराता रहता है पानी के अंदर, आपने कहीं देखो मछलियाँ उसके अंदर घुस जाती हैं, आपने एक मूवी देखी होगी फाइंडिंग नीमो या फाइंडिंग डोरी, उसमें क्लाउन फिश जो है वो कोरल्स रीफ्स के बीच में ही रह रही होती हैं, जो स्कूल होता है ग्रुप ऑफ फिश होती हैं वो कोरल्स का एरिया दिखाया गया उस मूवी में, बहुत फेमस मूवी है, उसमें बात करी गई है। कोरल ब्लीचिंग की हम चर्चा कर रहे थे, व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग, क्या होता है कोरल ब्लीचिंग, कोरल तो आपको बता दिया गया, ब्लीच क्या होता है, कोई चीज का कलर उड़ जाना, कलर हट जाना। कोरल्स को कलर्स कहां से मिलते हैं, कई मल्टीपल्स तरह की एल्गई होती है जो कोरल्स पॉलिप्स के अंदर रहती हैं या कोरल्स के टेंटिकल्स के अंदर होती हैं, जिसके कारण कोरल्स को कलर मिलता है, वो ही एल्गई, ये ऑर्गेनिज्म जो पॉलिप्स जो एब्जॉर्ब करती हैं पानी से, या कोई पार्टिकल्स या कुछ भी ऐसी चीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ी हो, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोबियल्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं पॉलिप्स, और वो ही एल्गई तक पहुंचते हैं, एल्गई उसे खाती है और ब्लूम करती है उसके ऊपर, और फिर वो नीचे कोरल्स तक चले जाते हैं उसके डेड बॉडी, लेकिन अलगाई वही रहती है, उस ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी नीचे है, वही आगे जाके स्केलेटन के फॉर्म पर डिपॉजिट होती है। तो एलगाई हर कोरल्स के अंदर रहती है, उन एलगाई का उड़ जाना या मर जाना या चले जाना ही कोरल ब्लीचिंग कहलाता है, जब एलगाई जो कलर दे रही है मल्टी कलर, और कोरल्स को जो कलर मिल रहे हैं वो उस एलगाई के कारण ही मिल रहे हैं, अब वो एलगाई नहीं रहेगी तो उसका कलर ही डल हो जाएगा, वही चीज ब्लीचिंग कहलाती है, सीधी सी बात है। When corals are stressed by changes in conditions such as temperature, light or nutrients, they expel the symbiotic algae living in their tissues, causing them to turn completely white. कहने का मतलब ये है, जब कोरल को स्ट्रेस मिलता है, मतलब जब उसके अनफेवरेबल कंडीशन डेवलप होती है, कोरल्स के अगेंस्ट सिचुएशन आ जाती है, खासियत यह है कोरल रीफ की, कोरल रीफ जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही सरवाइव कर पाती है, पानी का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी होगा तो कोरल्स डेवलप नहीं कर पाएगी, ठंडा पानी होगा इसलिए बर्फीली जगहों पे कोरल्स नहीं होती, कोरल्स ठंडे पानी पे नहीं सरवाइव कर पाती, वो मर जाती है, तो कोरल्स के लिए एक परफेक्ट एक टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन के आसपास ट्रॉपिक्स रीजन में ज्यादा पाई जाती है कोरल्स, क्योंकि उन्हें एक परफेक्ट मेंटेबल हैबिटेबल टेम्परेचर मिलता है, 20-25 डिग्री का होना चाहिए, 20 मीटर तक की डेप्थ तक कोरल डेवलप हो जाती है, क्योंकि सनलाइट 20 मीटर तक ही पहुंच पाती है, उसके बाद सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, कोरल्स भी एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव कैसे करेगी, ठीक है, वो अपना फूड कैसे मैन्युफैक्चर कर पाएगी, उसके लिए उसको एक प्रॉपर सनलाइट भी चाहिए पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए पड़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, वो खाएगी क्या, इसीलिए यह है कि लाइट टेम्परेचर न्यूट्रिएंट्स अगर ऐसी कोई चीज़ उसमें कमी आ जाती है जिसके कारण अलगई
डेड हो जाती है और वो हट जाती है कोरल से, तो कोरल कंप्लीटली व्हाइट हो जाती है. दिस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग. व्हेन अ कोरल ब्लीचेस इट इज नॉट डेड. अगर कोई कोरल ब्लीच हो जाए या डेड हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मर गई, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. वो तब भी ब्लूम करेगी, तब भी सर्वाइव करेगी. ठीक है, कोरल्स कैन सर्वाइव अ ब्लीचिंग इवेंट बट दे आर अंडर मोर स्ट्रेस एंड आर सब्जेक्ट टू मोर्टैलिटी. एक और क्वेश्चन बनता है इस पर, व्हाट कॉजेस कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग होती क्यों है, चीजें तो बता दी. स्ट्रेस होगा कोरल को, दिक्कत होगी उस पानी में तो कोरल ब्लीचिंग होगी. कारण क्या है देख लेते हैं, चार पांच कारण है एक एक करके. चेंज इन ओशन टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बदलेगा, पानी ज्यादा गर्म होने लगेगा, कोरल्स एल्गाई छोड़ देंगी. कोरल्स एल्गाई छोड़ देंगे. इंक्रीज ओशन टेम्परेचर कॉज बाय क्लाइमेट चेंज इज द लीडिंग कॉज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग. अगर ऐसा ही इंटेंस क्लाइमेट चेंज होते रहे, बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते रहे, हीटिंग इफेक्ट बढ़ता रहा, ग्लेशियर पिघलते रहे, तो सबसे पहले कोरल्स पे इफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के केस में. ये भी बात बताया गया है कि कोरल ब्लीचिंग एक बहुत बड़ा कारण है. अभी शर्म अल शेख में जब होगा इवेंट तो ये मुद्दा भी जरूर उठाया जाएगा कोरल ब्लीचिंग का. अपकमिंग है, इजिप्ट में होना है IPCC इंटर पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, उस पर भी चर्चा होगी. दूसरा कारण है कोरल ब्लीचिंग का, रन ऑफ एंड पॉल्यूशन. रन ऑफ मतलब एकदम से पानी की लहर उठना, रिवर वाटर पानी की तरफ बहुत तेजाई से आना. पॉल्यूशन है जब शीट इरोजन होगा तो मिट्टी पानी की तरफ जाएगी, तो साथ में कई चीजें गंदगी लेकर भी आएगी जिससे कोरल्स पे इफेक्ट पड़ेगा. स्टॉर्म जनरेटेड प्रेसिपिटेशन कैन रैपिडली डाइल्यूट ओशन वाटर एंड रन ऑफ कैन कैरी पॉल्यूटेंट्स. दीज कैन ब्लीच नियर शोर कोल, समुद्र के किनारे जो फ्रिंजिंग रीफ होंगी उस पर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. एक बार अटॉल और बैरियर रीफ बच सकती है, लेकिन फ्रिंजिंग रीफ के ऊपर उसके अगेंस्ट प्रेशर पड़ेगा. एक और कारण रहा है ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट. कभी कभी रीफ्स बहुत ऊपर आ जाती हैं, बनते बनते सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा तेज पड़ने लगती है, इतनी तेज पड़ने लगती है, इंसुलेशन इतना ज्यादा होने लगता है कि वो एक लिमिट तक रह जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती. कोरल काफी डेप्थ तक दिखाई देती है लेकिन ऊपर तक नहीं आ पाती. ये भी कारण है. व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई, हाई सोलर इरेडियंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ब्लीचिंग इन शैलो वाटर कोरल्स. एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग के. लो टाइड्स, टाइड्स का भी बहुत बड़ा रोल है. एक्सट्रीम टाइड्स, एक्सपोजर टू द एयर. जब टाइड्स आती है पानी, कई जगह आपने देखा हो गुजरात, गुजरात का एरिया ऐसा होता है जहाँ दिन में पानी चला जाता है और रात में पानी एकदम से आ जाता है. ये टाइड का इफेक्ट होता है जिसके कारण से कोरल एटमोसफेयर में एक्सपोज हो जाती है, और फिर वो जब एटमोसफेयर में एक्सपोज हो जाती है तो कई जानवर वगैरह या कई चीज़ें उन्हें अलग कर देती हैं चट्टानों से, रीफ से, मूंगे की चट्टानों से, जिसके कारण कोरल डेड हो जाती है. ये भी एक ब्लीचिंग का कारण बना हुआ है. लो टाइड्स कैन कॉज ब्लीचिंग शैलो कोरल्स. कोरल्स पे हमने काफी कुछ पढ़ लिया, यही था टॉपिक. एक चीज और देख लेते हैं लास्ट. जब हम ओशन की बात कर रहे हैं तो ओशन पे हम ओशन डिपॉजिट की बात कर लेते हैं. ये आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं. ओशन डिपॉजिट पे थोड़ा फास्ट चलेंगे. गिवा क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में क्वेश्चन आया था 10 मार्कर पर. Give a classification of ocean deposits on the basis of sources. हम देख लेते हैं ocean deposit को कई sources पे define किया गया है. ocean deposit को एक टेरिजीनियस sources होते हैं. टेरिजीनियस क्या होते हैं, लैंड मास से जो sources आते हैं उन्हें ही टेरिजीनियस sources कहा गया है. Deposits like gravel, sand, silt, clay and mud come from the weathering process of rocks and plains. कई तरह के मिट्टी, sand, टुकड़े, पत्थर, erosion और weathering process के कारण पानी में आ जाते हैं. दीज सेडमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स, विंड्स, ग्लेशियर्स, ओशनिक करेंट्स, वेव्स एक्सेट्रा गेट डिपॉजिट अपॉन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स. नदी के, ग्लेशियर के कारण, समुद्र की लहरों के कारण, हवा के कारण ये चीज़ें पानी तक पहुंच जाती हैं और ये पानी में जमा हो जाती हैं. ये डिपॉजिट्स एक तरह का सोर्स है, मिनरल सोर्स है, तो ये टेरोजेनिक डिपॉजिट बोला गया. वॉल्केनिक सोर्सेज भी होते हैं. वॉल्केनो फटता है, पत्थर पानी में गिरते हैं, वो भी डिपॉजिट हो जाते हैं, वो भी वॉल्केनिक सोर्सेज कहलाते हैं. तो वॉल्केनिक सोर्सेज डिपॉजिट्स कम फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शन ऑन लैंड विच आर कैरिड बाय विंड और रिवर. जमीन पर गिरते हैं तो वेदरिंग के कारण या रिवर्स के कारण वो पानी तक आ जाते हैं, तो वो डिपोजिशन होने लगता है. बहुत समय तक सेडिमेंटेशन होने सकता है. ये भी एक सोर्सेज है, वॉल्केनिक सोर्सेज को भी माना गया है ओशन डिपॉजिट का.
पेलेजिक सोर्सेस ये थोड़ा डिफरेंट है. डिपॉजिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स, दे आर ड्राइव फ्रॉम द स्केलेटन्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड मरीन प्लांट रिमेन्स, जो समुद्र के अंदर जो जानवर, जंगली जानवर तो नहीं कहेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं या पेड़ पौधे जो पानी के अंदर फ्लोरेट, सी वीड्स वगैरह होती है, मर के जमा होने लगती हैं, कैल्शियम जमा होने लगता है, तो ये भी एक डिपॉजिट है. ऑर्गेनिक डिपॉजिट को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है. नैरेटिक मैटर, स्केलेटन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स रिमेन्स, उसको नैरेटिक मैटर कहा गया. पैलेजिक मैटर कंसिस्ट ऑफ ड्राइव ऑफ एल्गई, एल्गई वगैरह जो मर जाती है, इकट्ठी होने लगती, जमा होने लगती जमीन के अंदर, उसको पैलेजिक डिपॉजिट कहा गया है, जो बहुत समय तक लिक्विड हो जाती है, उन्हें ऊज भी कहते हैं. पैलेजिक मैटर भी कई पार्ट में डिवाइड है, कैलकेरियस ऊज एंड सिलिशियस ऊज, जिसमें कैल्शियम होता है वो ऊज एल्गई, उसको कैलकेशियस ऊज कहते हैं, इसमें सिलिकॉन होता है सिलिशियस ऊज कहा जाता है. एक बार एक क्वेश्चन आया है, आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लीजिए, क्योंकि दोबारा रिपीट हो सकता है, प्रॉबिलिटी ज़्यादा है 2021 में, MPPSC 2021 में, अदर स्टेट से PCS में, या 2019 री एग्जाम जो हो रहा है उसमें आ सकता है. तक के लिए देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद. हमने आपको ओशन डिपॉजिट्स और कोरल्स पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चंस आए हैं वो ही पढ़ाए हैं, कुछ नया नहीं करा है, देख लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.